मेरे स्वीट व्यूवर्स, जैसा कि समर चल रहे हैं और आम का बहुत सीज़न है, भरपूर सीज़न है, बड़े अच्छे अच्छे आम आ रहे हैं, तो ऐसे में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ओवरलोडेड मैंगो शेक की रेसिपी, आइसक्रीम मैंगो शेक की रेसिपी, मिल्क शेक आइसक्रीम मैंगो शेक की रेसिपी। तो आओ देखते हैं ये ओवरलोडेड मैंगो शेक कैसे बनेगा और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ संभाल लिया, जिसमें आइस क्यूब, ड्राई फ्रूट्स, वापिस हुई चीनी, एक गिलास दूध और एक मैंगो है जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम इस जार के अंदर डाल देंगे। सारी चीज़ें मैंने इस जार में डाल दी है। अब जार में डालकर हम इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी मैंगो शेक तैयार कर दिया है, लेकिन अभी इसे हम सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो ये मेरे पास वनीला आइसक्रीम थी, ये हैं ड्राई फ्रूट्स, ये आम छोटे छोटे कटे हुए, ये टूटी फ्रूटी और वो कुछ स्प्रिंकल, आप अपनी मर्जी से भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर मैं बना रही हूँ आज मैंगो मस्तानी। तो उसके लिए सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें मैंगो शेक। अब इसमें हम डालेंगे बहुत सारी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें भर के खूब सारे डाल दिया आइसक्रीम, और अब डालेंगे इसमें हम टूटी फ्रूटी। ये मेरे पास रेड कलर की टूटी फ्रूटी है, आप कलरफुल भी डाल सकते हैं। और अब डालेंगे इसमें थोड़े से आम, जिसको मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है, क्योंकि ये ओवरलोडेड आइसक्रीम मैंगो शेक है और मैंगो मस्तानी भी हम इसे कह सकते हैं। और ऊपर से अब और ये डाल देंगे हम बचा हुआ मैंगो शेक। तो फ्रेंड्स, ये देखो कितनी अच्छी लेयर आ गई है, और ऊपर से बची हुई आइसक्रीम और डाल देंगे इसमें हम, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, थोड़े से मैंगो और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब आप चाहे इसे पिएं या खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरा मैंगो शेक, मैंगो मस्तानी और मैंगो लोडेड आइसक्रीम शेक बन के तैयार हो गया है। तो आप सबको मेरे स्वीट व्यूवर्स, ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और आप इसे किस नाम से बुलाएंगे ये भी ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, शेक बनके हो गया तैयार। बस इतना कहूँगी कि वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे देना, और पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर कर देना, और जो न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में बने हुए बेल के आइकॉन को भी दबा लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिलता रहे। मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय गीता सिंह रेसिपीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।